एएमसी के बारे में प्रदीप जी ने पूछा है, 1170 पर इन्होंने खरीद रखा है और इन्होंने 2 साल पहले खरीद रखा था, अब क्या करना चाहिए? यूटीआई में देखिए फर्क ये है, यूटीआई आप वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो एचडीएफसी, एएमसी, निकॉन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ सब में आपको यूटीआई एएमसी बेहतर दिखने वाला है, लेकिन इनके पास मार्जिन का प्रॉब्लम है। तो मार्जिन जब रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो इनको इनका वैल्यूएशन एक्सपेंशन मुझे नहीं लगता है होगा। हालांकि मैं जहां भी बात करता हूँ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से इसको बहुत ही फेवरेबल माना जाता है, लेकिन मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। तो अब ये यूटीआई एएमसी का ऐसा ही है कि ये नहीं कह सकता मैं कि अब यहाँ से फ्रेश फॉल होगा, क्योंकि इसका फॉल बहुत लंबा हो चुका है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। हो सकता है कि इसका जो बॉटम बन गया है 600 का, अब ये बॉटम नहीं टूटे, लेकिन इसके अगेंस्ट इसका कंसोलिडेशन भी अब 3 महीने चलेगा, 6 महीने, 9 महीने चलेगा, इसका कोई आइडिया नहीं। ये तब तक वैल्यूएशन यहाँ से एक्सपैंड नहीं होगा इनका, जब तक या तो कंप्लीटली एएमसी सेक्टर कंप्लीटली टेलविंड में आ जाए, या फिर इनके मार्जिन, यूटीआई एएमसी का मार्जिन इंप्रूव होना शुरू हो, जिसके कारण इनका वैल्यूएशन एक्सपैंड। ये दो चीज जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से प्राइस राइज बहुत ज्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम हो सकता है कि 700 के आसपास तक जाके फिर हो जाए और जी 600 के नीचे भी ना जाए, तो मोस्टली रेंज बाउंड होके रह जाएगा। अब कंसोलिडेशन चलता रहेगा इसमें। अब वापस वही सवाल जो HDFC AMC में हमने डिस्कस किया कि अब 1100 पे इन्होंने खरीदा था, कितना 1170 लगभग 1200, एक तरह से कह लीजिए कि जहाँ पर टॉप बना था लगभग वहीं पे इन्होंने खरीदा। तो ये मतलब पुरानी कहानी है, रिटेल इन्वेस्टर्स टॉप को पहचानते तो बहुत अच्छे तरीके से हैं लेकिन वहाँ पर खरीदते हैं, क्योंकि आमतौर पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर टॉप पे खरीदते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि टॉप पहचान में नहीं आता, टॉप पकड़ में नहीं आता, पकड़ तो लेते हैं लेकिन उल्टे इस तरीके से। तो इन्होंने उल्टे तरीके से टॉप को पकड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर एवरेज कर लें या ना करें। एवरेज करिए, लेकिन 600 का अगर स्टॉप लॉस गया तो फिर एवरेज पोजीशन को भी हटा दीजिए। मेरे हिसाब से जी 600 का आपका कट ऑफ होना चाहिए, जब तक तो वो है खरीदिए, एवरेज कीजिए जो करना है, लेकिन अपना जी रिस्क ट्रिगर कर लीजिएगा 600 के नीचे और पिछले उसी समय। साल जून में 600 का बॉटम बना था, इस साल फिर से लगभग वहीं तक गया, मार्च में एक बार फिर से 600 के आसपास का ही बॉटम बना है, क्या इसको बहुत बढ़िया डबल बॉटम माना जाए? बॉटम अच्छा है इसलिए तो मैं कह रहा हूँ 600 से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए इसका, जी लेकिन रिजल्ट जब तक नहीं डिलीवर करेगा ये आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है और आपका पेशेंस टेस्ट करता रहेगा। ये सब स्टॉक लेना है ना 5 साल के होराइजन पे, आपको पांच जी साल के साइकिल में पैसा यहाँ से इस लेवल से 5 साल के साइकिल में पैसा बना के नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड फेवरेबल होगा। तो ठीक है, चूंकि ये धैर्य के साथ 2 साल से बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ से भी और 5-7 साल बैठ सकें, तो क्या अगर 1170 का खरीद भाव इनका है यहाँ पर, ये थोड़ा सा अभी और 650 पे खरीद ले, एवरेज इनका ठीक हो जाएगा, बीच में कहीं पर आ जाएगा 1200-650, उसके बीच में आप मान लीजिए कि लगभग 900-950 के आसपास से इनका एवरेज आ जाएगा और 5 साल बैठे रहेंगे तो पैसा बन जाएगा। मैं एक जनरल टेक्निक बताता हूँ, क्योंकि मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि आप यहाँ से खरीद लीजिए एवरेज कर लीजिए, क्योंकि वो तो मेरा हक नहीं बनता है रिकमेंडेशन देने का। जनरल टेक्निक ये होना चाहिए कि 600 और 900 के रेंज का आपको इसका वैल्यू लेके चलना चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर एवरेज करेंगे और आपका वैल्यू कहीं ना कहीं 900 आ जाता है, तो ट्रेडिंग टेक्निक ये कहता है कि 600 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 900 अगर आ जाता है तो अपने पोजिशन को आधा हल्का कर देना चाहिए और आधे को लेके इंतजार करना चाहिए, या फिर उसका स्टॉप लॉस लगाएं, या फिर से वैसे ही आधा वो ट्रेडिंग टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। जी तो उस हिसाब से थोड़ा टैक्टिकल प्ले करेंगे तो हो सकता है। जी चलिए, अब आज की इस बातचीत को यहीं पर हम विराम देते हैं, 1.5 घंटे की हमारी गपशप हो गई है। वैसे तो हरि कथा अनंत, मतलब आप सवाल लेते जाएं और वो सिलसिला कभी थमने वाला नहीं है, तो इसलिए जिन दर्शकों के सवाल आज हम नहीं ले पाए उन सबसे माफ़ी, और कोशिश करेंगे अगली बातचीत में, अगली चर्चा में उनका सवाल हम फिर से लें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना सवाल डाल के रख दीजिए, अगली बार हम पहले से उनको अपनी लिस्ट में लेकर के रखने की कोशिश करेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग हैं उन्हें तो मालूम ही है, और जो नहीं है उनके लिए
आसान तरीका वही है, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, तो वहाँ पर हम फिर अपनी लिस्ट में अगले कार्यक्रम के लिए डाल लेंगे इसे।